दमण जिला चुनाव विभाग ने चुनावी आचार संहिता को लेकर राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों और पत्रकारों के साथ बैठक का आयोजन किया। दमण जिला के समाहर्तालय के सभागार में आयोजित बैठक में चुनाव अधिकारी संदीप कुमार, उप समाहर्ता चार्मी पारेख, हरमिंदर सिंह, गुरप्रीत सिंह सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। चुनाव विभाग ने प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रत्याशी के लिए चुनाव के समय आचार संहिता से अवगत करवाया गया। वहीं मीडिया के लिए आचार संहिता और विज्ञापन संबंधित मीडिया प्रमाण पत्र के कार्य से अवगत कराया गया। इसी के साथ पेड न्यूज की जांच करने के लिए कमेटी बनाई गई। जिला चुनाव अधिकारी संदीप कुमार ने कहा कि चुनावी आचार संहिता के बारे में समय समय पर जानकारी देते रहेंगे। चुनाव निष्पक्ष तरीके से होगा और सभी प्रत्याशियों को समान अवसर मिलेगा। चुनावी आचार संहिता के नोडल अधिकारी गुरप्रीत सिंह ने भी राजनीतिक पार्टियों को चुनाव के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उससे संबंधित जानकारी से अवगत कराया था। उसके बारे में आपको जानकारी हम लोग यहाँ पर देंगे। तो आज हमने पोलिटिकल पार्टीज के भी लोगों को बुलाया था और थर्सडे को उनसे मीटिंग की थी। पीवीआईपी प्रोग्राम के बारे में हमने उनको ब्रीफ किया था, तो एक्सपेक्टेड है कि वो यहाँ पे आ जाएंगे। अगर आज यहाँ पर उनकी मौजूदगी नहीं है तो हम मान के चलेंगे कि जो भी चीज़ हम यहाँ बताने जा रहे हैं वो सबसे पता है। पर एक बार उनको ये चीज़ ब्रीफ की, पहले मीटिंग में हम लोग दे भी चुके हैं। होगी और स्कूटनी के डेट, टाइम और प्रेस भी तय किया जाएगा, सबको इतला भी की जाएगी। देन कुछ समय के बाद विड्रॉल ऑफ नॉमिनेशन का भी एक डिसीजन होगा और उसको भी एक स्पेसिफाइड डेट, टाइम और प्रेस किया जाएगा कब विड्रॉल किया जा सकता है। इसके बाद जो रह जाते हैं फाइनल लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट जो भी हैं उनको अलॉटमेंट ऑफ सिंबल्स होगा। सी है बाकी का जहाँ भी इसके एग्जॉस्टिव आपको चाहिए एंड एनी स्पेसिफिक क्लैरिफिकेशन चाहिए तो इलेक्शन कमीशन के साइट पे आपको ये सब मटेरियल में मिल जाए।